बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाज बा, कानपुर दे हाथ में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा। यूपी में काबा फेम लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के इस गाने ने मानो बवाल काट दिया है। इस गाने के लिए नेहा को पुलिस ने 7 सवालों के साथ एक नोटिस थमा दिया है। सुनिए पुलिस क्या दलील दे रही है नेहा को ये नोटिस भेजने पर। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 CRPC का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस नेहा के उस गाने के लिए भेजा गया है जिसमें कानपुर देहात कांड और बुलडोजर एक्शन पर तंज था। विपक्षी पार्टियों ने बुलडोजर एक्शन पर इस मामले को लेकर जमकर बवाल काटा था और अब एक बार फिर से ये मामला सियासी तौर पर गरमा गया है। नेहा सिंह राठौर के फेवर में अब मानो पूरी समाजवादी पार्टी मैदान में आ गई है। अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट कर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने नेहा के अंदाज में ही कुछ पंक्तियां लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, और आखिर में उन्होंने लिखा यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। वही समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने नेहा पर एक्शन को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार को अपने लोक गायन के माध्यम से आईना दिखाने वाली लोक गायिका को पुलिस द्वारा नोटिस और 72 प्लॉट कब्जाने वाले और अदालत से सजायाफ्ता अपराधी और भ्रष्टाचारी को योगी जी का संरक्षण और योगी शासित बीजेपी सरकार में मंत्री पद, यही है योगी जी की संत नीति। काहे के संत, कौन सी नीति। वही कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर हमला किया। इमरान ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। एक में वो नेहा को बधाई देते हैं और कहते हैं कि कलम से सत्ता को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। वहीं दूसरे ट्वीट में वो सवाल उठाते हैं कि नेहा राठौर को नोटिस देने वाली यूपी पुलिस ने बजरंग मुनि का ताजा बयान नहीं सुना क्या, जिसमें वो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, या फिर ऐसे बयानों से समाज में तनाव नहीं बढ़ता, एक आध नोटिस तो उधर भी भेज देते, सरकार बहादुर। यहां सपा ने मंत्री राकेश सचान के बहाने योगी सरकार को लपेटे में लिया है। अब जरा एक बार फिर से सुनिए नेहा का वो गाना जिस पर ये नोटिस उन्हें थमाया गया। बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाज बा, कानपुर दे हाथ में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा, अरे ही बुलडोजर बापे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा। पुलिस की ओर से भेजे गए इस नोटिस की जानकारी खुद नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट कर दी। इस नोटिस में नेहा सिंह राठौर से 7 सवाल किए गए हैं, जरा उन सवालों पर भी नजर डाल लीजिए। इन सवालों का जवाब देने के लिए नेहा को 3 दिन की मोहलत दी गई है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहाँ तहसील प्रशासन बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इस दौरान झोपड़ी में आग लगने से मां बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मानो की कोहराम मच गया।